नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। विरहना पीर साधना। दोस्तों, विरहना पीर साधना, यह साधना 40 दिनों में संपन्न की जाती है। यह साधना बंद कमरे में रात्रि 12 बजे से संपन्न की जाती है। कमरा एकांत में होना चाहिए। साधक रात्रि को मंत्र जाप करें और पूजन करके उसी कमरे में सो जाएं। यह साधना ग्रहण काल में शुरू की जाती है। कमरे में फर्श, दीवारों पर, आसन, चौकी पर, अपने वस्त्रों पर साधक चमेली के इत्र का सेंट परफ्यूम छिड़क लें। पूर्ण कमरा सुगंधमय हो जाए। साधक सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन पर बैठें। रुद्राक्ष माला से जाप करें। देशी घी, लोबान, बतासे, लौंग की धूप रोजाना साधना काल में करें। चमेली की अगरबत्ती, देशी घी का चिराग जलाएं। चमेली के फूल चढ़ाएं। देशी घी में बने हलवे का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई शुद्ध मावे की रखें। दो फल रखें। साधक अपने शरीर का पवित्रीकरण करें, सामग्री का पवित्रीकरण करें, वास्तु दोष पूजन करें। साधना के अंतिम दिन विरहना पीर साधक को दर्शन देते हैं और अपने साधक को वचन देते हैं। ऊपरी चक्कर, भूत प्रेतों आदि की समस्याओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। यह भी विष्णु जी की शक्ति से कार्य करते हैं। भोजन में साधक को दो समय करना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, रोटी, चावल, मिठाई, फलों का सेवन करें। दिशा पश्चिम होनी चाहिए। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। पीर विरहना, फूल विरहना, धूम धूंकार, सवा शेर का तोसा वाय, 80 कोस का धावा करें। 7 शकुन तक आगे चलें, 7 शकुन तक पीछे चलें, 5600 छुरी चले, 5200 वीर चले, जिसमें गड़ गजनी का पीर चले, और की भुजा उखाड़ चले, अपनी भुजा टेकता चले, सूते को जागवता चले, बैठे को उठावता चले, हाथों में हथकड़ी, गरे पैरों में पैर कड़ा, गरे हलाल माही दीठ करे, मुरदार माही पीठ करे, बलवान नबी को याद करें। ओम नमः ठह ठह स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।